हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर टू है। हम द लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग, और आज द लिविंग वर्ल्ड का सबसे आखिरी लेक्चर होगा। द लिविंग वर्ल्ड का सबसे आखिरी लेक्चर है ये। फिर इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की होगी। ये द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट टू है। पार्ट वन हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तुमने वो सेशन अनअकैडमी सेपियंस पे देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी किया है, और एनसीईआरटी से जो भी डिराइव्ड क्वेश्चंस है हमने उसमें देखे हैं। तो अब इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो इसमें स्टार्ट होगा द लिविंग वर्ल्ड का जो पार्ट टू, लेक्चर नंबर टू है द लिविंग वर्ल्ड का, आज लेक्चर नंबर टू। ओके, ये कुछ मेरे बारे में और बाकी अनअकैडमी प्लस के फीचर्स हैं। ये सब अनअकैडमी प्लस के फीचर्स हैं। और अगर तुम्हें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी प्लस का अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना है तो तुम्हें कोड क्या अप्लाई करना है? कुमार लाइव। अनअकैडमी प्लस के दो प्लेटफॉर्म हैं, एक प्लस का प्लेटफॉर्म है और एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म है। तुम दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन को चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो अगर तुमने ये कोड अप्लाई किया, रेफरल कोड, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मेरे पर्सनल गाइडेंस में तुम रहोगे। ओके, तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन के प्लान हैं। 1 month, 3 month, 6 month और 1 year और 2 year के यहाँ पे प्लान हैं। ओके, यूज कोड कुमार लाइफ फॉर 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर इसको आगे। हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना था, तुम्हें याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ से हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन से देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के बाद कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग ये सब देखेंगे क्लासिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कई सारे लाया हूं जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं। पहले कुछ देर हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो सब लोग रेडी हो? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, तीन चीजें याद होंगी तुम्हें, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स को देखो, रूट, स्टेम, लीफ का शेप, साइज वगैरह क्या है वो देखो। उसके बाद नोमेनक्लेचर में आओ, जो भी कैरेक्टर्स तुमने आइडेंटिफाई करे हैं उसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्रोसेस जो है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो चीजों को आसान बनाता है। अगर किसी स्कूल में एडमिशन हुई, सारे बच्चों को अगर एक क्लास में बैठा दिया जाए, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक सारे बच्चों को, मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम उसको सेपरेटली हर एक क्लास में बैठाएं ऑर्डर वाइज, कि नर्सरी क्लास में ये बच्चे बैठेंगे, 8th क्लास में ये बच्चे बैठेंगे और 11th क्लास में ये बच्चे बैठेंगे, तो काफी ज्यादा कन्वीनियंस होगा हमारे लिए, कन्वीनियंट यहां पे होता है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स देखना चाहिए, जैसे सोलेनम ट्यूबरोशम, ट्यूबर लाइक कैरेक्टर देखा तो नाम रखा गया सोलेनम ट्यूबरोशम। मैंगीफेरा इंडिका इंडियन ओरिजिन का था, नाम रखा गया मैंगीफेरा इंडिका। अजा डिराक्टा इंडिका, अशोका इंडिका, रोजा इंडिका सब इंडियन ओरिजिन से ही हैं, इसलिए ऐसे नाम रखे गए यहां पे। इसके बाद कई बच्चे पूछते हैं, सर एल्सेशियन क्या है? ये डॉग का एक वेराइटी है। क्या है ये? एक डॉग का वेराइटी है यहां पे, ये चीज याद रखना है। बाकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, एक तो बात एनसीईआरटी ने टैक्सा के बारे में की है, और बाकी एक बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे लाइन देखने को मिलती है कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ये वाली लाइन, टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज समझना होगा कि आखिर ये जो टैक्सा है, आखिर ये चीज होती क्या है। ठीक है, एक चीज को हमें समझना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्सा क्या होता है। तुमने 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखे हैं, किंगडम से लेकर स्पेसीज तक की बात करें, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक की अगर बात करें, किंगडम सबसे हाईएस्ट है, स्पेसीज सबसे लोएस्ट की बात हम लोग करते हैं यहां पे, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। किंगडम से लेकर स्पेसीज तक वो 7 के 7 कैटेगरीज हैं, टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं। बात करते हैं उनके बगल में तो कुछ आता है ना, अगर मैं बोलूंगा किंगडम तो किंगडम के जगह पे एनिमेलिया आएगा, अगर मैं बोलूंगा फाइलम तो फाइलम की जगह पे शायद कॉर्डेटा आए। ये जो भी मैंने बोला अभी, एनिमेलिया, कॉर्डेटा,
जो भी चीजें यहां पे मैं यूज करूंगा वो सारी के सारे जो चीज होते हैं वो टैक्सा होते हैं। क्या होते हैं भाई? वो टैक्सा होते हैं। तो दो चीजों को याद रखना है। तो वही बोलती है एनसीईआरटी कि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अब यहां पर टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है। क्या टैक्सोनॉमी को मैं सिंपल सा बोल सकता हूं? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो होती है हम उसी को टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर देखो दो तरह की चीजें हैं, एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, एक होती है, पहले तो टैक्सोनॉमी में चलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा हमने। इसके बाद एक चीज आती है, सिस्टमैटिक्स आती है, चीज सिस्टमैटिक्स आती है, और एक और चीज आती है बायोसिस्टमैटिक्स, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जिसको लिखा है। तो बात आती है सबसे पहले कि ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो सिंपल सी मैं अगर कहूं, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर हमें करना है या आइडेंटिफिकेशन हमें करना है, हम सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स को ही देखें, बाहर के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही देखें, तो ये चीज होती है सिस्टमैटिक्स में, जो कि लीनियस ने दिया था। लेकिन जब बात आती है बायोसिस्टमैटिक्स की, तो हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं देखते, हम इंटरनल कैरेक्टर भी देखते हैं। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर देखकर ही पता चल पाता है। तो ये चीज होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, जिसको बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जिसको नियोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं, जो जूलियन हक्सले ने प्रपोज किया था। तो सबसे पहले यहां पे बात आती है, एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रख रहे हैं यहां पे। इसके बाद चलें हम आगे। तो देखो एनसीईआरटी का थोड़ा सीक्वेंस जो टैक्सोनॉमी का है ना, चार चीजें आनी चाहिए इसमें। सबसे पहले जो एनसीईआरटी ने बोला है कि वो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन को रखती है। बात आती है कैरेक्टराइजेशन यहां पे कैसे आ गया? सर आपने तो तीन चीजें ही बताई थी सिर्फ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। मैं अभी भी इस बात पे टिका हुआ हूं कि तीन चीजें ही होती हैं टैक्सोनॉमी में। आइडेंटिफिकेशन में मैंने बोला था कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एनसीईआरटी बोलती है कैरेक्टराइजेशन करना। क्या करना? कैरेक्टराइजेशन करना। तो हो गया टोटल चार चीज, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तुम बोलोगे एनसीईआरटी का सीक्वेंस तो अलग है, एनसीईआरटी यहां पे सीक्वेंस नहीं दे रही है, वो सिर्फ बता रही है टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें आती हैं, टैक्सोनॉमी के बेसिक्स क्या क्या हैं। तो टैक्सोनॉमी के चार बेसिक हो गए, कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। ये चार चीजें हैं जो टैक्सोनॉमी के अंडर में आती हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बात आती है जब शुरुआती तौर पे जब क्लासिफिकेशन हुआ, जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसका मेन बेसिस क्या रखा गया था? उसका मेन बेसिस यूज के बेसिस पे रखा गया था। क्या रखा गया था भाई? यूज के बेसिस पे वो चीजें रखी गई थी। तो ये चीज सिंपल सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहां पे बात आती है आखिर ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है। तो मैं सिंपल सा कहूं कि सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर ब्रांच है जिसमें टैक्सोनॉमी को रखा जाता है। सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रॉडर ब्रांच, और उसमें क्या चीजें आती हैं? टैक्सोनॉमी। मतलब अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा ये। अगर मैंने इसको कंसिडर किया सिस्टमैटिक्स, ठीक है, बड़ा सा डब्बा क्या है? सिस्टमैटिक्स। इसके अंदर में मैंने कंसीडर किया ये टैक्सोनॉमी है, और इसके अंदर में मैंने कंसीडर किया कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आती है। थोड़ी बात समझ में आई होगी, सिस्टमैटिक्स से छोटा टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी से छोटा आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। बात आती है सिस्टमैटिक्स है ये कौन से वर्ड से यूज किया गया है? ये सिस्टेमा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस की एक बहुत ही फेमस किताब थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने सारा जो चीज का जिक्र था उन्होंने इसमें ही किया। आगे लिखती है एनसीईआरटी कि द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो क्या कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि सिस्टमैटिक्स में ही सब चीजें आ जाती हैं, मिस टैक्सोनॉमी भी इसमें ही आ जाता है, और बाकी टैक्सोनॉमी के अंदर तो हम जानते ही हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं, चले आगे। चलो भाई तो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो इधर देखना जरा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मोर सुटेबल टर्म यूज फॉर दिस नेम इज डॉग्स,
मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स और एनिमल्स। तो तुम इन्हें क्या बोलोगे, कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी, टैक्सा या ऑल ऑफ दीज, क्या कहना चाहोगे तुम इसे? देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। क्या कहना चाहोगे तुम, जल्दी से बोलो। मोर सुटेबल टर्म यूज फॉर दीज एनिमल्स इज डॉग्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या लग रहा है, जल्दी से बोलो भाई, क्या लग रहा है? क्या लगाऊं मैं, सी लगा दूं आंसर? बिल्कुल सी लगेगा आंसर, टैक्सा हम इसे कंसीडर करेंगे। क्या बोला जाएगा इसे, टैक्सा। चाहे वो डॉग हो, मैमल हो, वीट हो, राइस हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, हम उसको क्या बोलेंगे, टैक्सा। तभी तो एनसीईआरटी ने बोला था टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। सिस्टमैटिक्स डील विथ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of organism on the basis of। systematics का main basis क्या रहा, anatomical or morphological relationships between organisms, morphological and reproductive relationship between organisms। next है evolutionary relationship with organism। जब कभी भी systematics की बात आती है, NCERT ने एक line लिखा है कि systematics takes into account, देखना ये line, सिस्टमैटिक्स टेक्स इन टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सबका आंसर आ रहा है सही, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये चीज याद रखना, बात करोगे तुम कि सर मॉर्फोलॉजिकल नहीं आया, रिप्रोडक्टिव नहीं आया, ये सब चीजें न्यू सिस्टमैटिक्स में इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर गिवन सेंटेंस, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस तुम देख रहे हो जिसमें टोटल 5 स्टेटमेंट हैं, तो इसमें से चूज करना है तुम्हें कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट लग रहा है तुम्हें। चलो स्टार्ट करें। डॉग, कैट, वीट आर टैक्सा, बिल्कुल सही बात है। प्रोसेसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ठीक है भाई, 4 तो बेसिक्स हमने देखे ही। इन अर्ली डेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, नहीं, वो किस चीज पे बेस्ड था, यूज के बेसिस पे था, वो नहीं होगा। ये लिनियस की किताब थी सिस्टेमा नेचुरे, बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बिल्कुल सही है ये चीज। तो 4 स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट पूछा गया था, तो 4 स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट आ रहे हैं, सबका सही है, 4 स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हैं। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, अतुल, शांध्या, दिगंबर, निकिता, बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जल्दी से बताओ भाई। पूछा गया यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ना। चलो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, चलो बात सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही है चीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज, क्या पहली जो वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, नहीं ना, पहली वर्ड तो जीनस को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये चीज तो तुम्हारा गलत हो गया। नेक्स्ट, व्हेन नेम इज हैंड रिटन देन शुड नॉट बी अंडरलाइन, अंडरलाइन तो करना पड़ेगा ना जब हैंड रिटेन करेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट यूजुअली स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही है बात ये। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द जीनस एपिथेट, नहीं, वो जब भी अपीयर होगा तो किसके बाद होगा, अ स्पेसिफिक एपिथेट के बाद होगा। तो बच्चों को आंसर तो मालूम चल ही गया होगा, तुम्हें आंसर तो मालूम चल ही गया था, रॉन्ग पूछा गया ना, 3, 4, 6 आ रहा है सबका, डी बोलो भाई, डी आ रहा है सबका आंसर, बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट तुम्हें कौन सा लग रहा है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, सही है। नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ऑनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, बिल्कुल सही। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन
नहीं, प्लांट्स के लिए तो ये चीज नहीं होती, जेड फॉर जूलॉजी एनिमल्स के लिए होगी। अच्छा, इसमें भी सेम वही गलती हुई है ना। हाँ, एनिमल टैक्सोनॉमी वाला ये चीज गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाली चीज गलत हो गई। तो पूछा गया था ट्रू स्टेटमेंट, तो वन और टू करेक्ट है। आ रहा है ना सबका आंसर, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तुम्हारे तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो, तो टॉपिक स्टार्ट होता है नया, जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो अगर बात करें टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे इसमें स्टेप्स लगती है। इसमें रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टोटल कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। और वही मिलकर क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाती हैं। सिंपल सा अगर मतलब मैं बताऊं, जैसे जितने भी इंडिया के स्कूल्स हैं उसमें कई सारे लेवल होते हैं ना। जैसे ऊपर से अगर मैं चलूं तो फाउंडर होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं। ऐसे ऐसे कर कर ये ऑर्डर चलता रहता है। मैं कह सकता हूँ ना, वो स्कूल की एक हायरार्किकल ऑर्डर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी हायरार्की में है। हमारे सरकारों में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। ऊपर से अगर चलें तो राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, फिर अपने जिले के लोग हैं, सांसद वगैरह हैं। यहां पर भी सेम वही चीज होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इसी चीज को बोलते हैं। टोटल कितने हैं भाई? टोटल 7 हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये टोटल मालूम चल गया, टोटल 7 हैं। पूछा जाए तुमसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, तुम बोलो क्लासिफिकेशन में तो सब काम आ रहे हैं तो सब यूनिट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है तो किंगडम, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है तो स्पेसीज। ये चीज ध्यान रखना है यहां पे, ये चीज क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर एक सिंपल सा मतलब बताया गया है कि जो कैटेगरी है आगे जाकर रैंक को बता रहा है। ये सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखा है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर वही 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के नाम बताए गए हैं। यहां पर सबसे खास बात है ना कि ये जो फाइलम है और ये जो डिवीजन है, ये दोनों चीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में तुम्हें कहीं भी चेंज नहीं करना है प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में। सिर्फ एक जगह पे फाइलम टर्म आए तो एनिमल लगा देना, और डिवीजन की बात आए तो प्लांट में कंसीडर करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से एक एक कर चीजों को हम यहां पे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले स्पीसीज की बात करते हैं, तो क्या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज मिलती हैं। जैसे मुझ में और तुम में कई सारे सिमिलरिटीज है ना मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे। तुम्हारे पास भी दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, वैसे ही हम स्पीसीज को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे पहचानते हैं, स्पीसीज है ना। तो ये चीज है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। कुछ साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए, मैंगो का मैंगिफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम टिब्रोशम, लॉयन का पैंथेरा लियो। ये तीन नाम इसमें मैं बोल रहा हूं, एक नाम इंडिका, एक नाम टिब्रोशम, एक नाम लियो, दूसरे नंबर पे आया है, तो हम इसे स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं। और जो आगे के चीज थे जैसे मैंगिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनरा के कैटेगरी में आते हैं, मीन्स जीनस हैं। एक होते तो जीनस बोला जाता, एक से ज्यादा हैं तो हम इन्हें जेनरा कंसीडर कर रहे हैं। वेल, द फर्स्ट वर्ड मैंगिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनरा रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी। इच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। इस लाइन को समझना, जिसको बोला जाता है पॉलीटाइपिक स्पीसीज बोला जाता है। Each genus may have one or more than one specific epithet. मतलब समझना है इसका, Panthera एक genus है, इसके पास एक से ज्यादा specific epithet हो सकते हैं क्या? तो हाँ, हो सकते हैं। इसके पास एक से ज्यादा specific epithet हो सकते हैं। देखो कैसे, Panthera tigris है, Panthera leo है, पैंथेरा पार्डस है, ऐसे ही चलते हैं। एक प्लांट के एग्जाम्पल में भी सोलेनम ट्यूब्रोशम, सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम निग्रम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, एक जीनस के पास एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, तुमने इस बात को माना, तो ये एग्जाम्पल तुम्हें यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज है, यहां पे एग्जाम्पल कुछ कुछ बताए गए हैं, और ह्यूमन को होमो सैपियंस तो तुम जानते ही हो। नेक्स्ट बात आती है हमारे किसके बारे में? जीनस के बारे में। जीनस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज है जिसके पास कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्पेसीज। देख कर देखो ना, ऐसे रटनी नहीं है ये चीज। अगर मैंने लिखा सोलेनम
अगर मैंने लिखा सोलेनम ट्यूबरोशम, अगर मैंने लिखा है, मैंने क्या नाम लिखा, सोलेनम ट्यूबरोशम, तो मुझे बताओ ज्यादा कैरेक्टर्स किसमें है, सोलेनम में या ट्यूबरोशम में। अगर मैं ट्यूबरोशम बोलूंगा तुम बोलोगे सिर्फ आलू की बात चल रही है, अगर मैं सोलेनम बोलूंगा तो तुम बोलोगे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर, आप आलू के बारे में बात कर रहे हो या टमाटर के बारे में या बैगन के बारे में या मैकोई के बारे में, हमें वो चीज नहीं मालूम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सोलेनम में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं यहाँ पे, पोटैटो ब्रिंजल वगैरह का तुम जान ही गए, ब्रिंजल का सोलेनम मेलोंजेना होता है, लॉयन पैंथेरा लियो, ये सब कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं जो याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैमिली पे। फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, जीनस के ही, जो जीनस ज्यादा इकट्ठा होते चले जाते हैं उनको ही क्या बोला जाता है, जेनेरा बोला जाता है। फैमिलीज को कैरेक्टराइज किस बेसिस पे करते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे चीज की जाती है। ओके, नेक्स्ट एक चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। जब तुम किसी भी फैमिली की बात करोगे ना, सोलेनेसी की बात करो, तो सोलेनेसी में तुम देखोगे तो दो तरह के फीचर्स तुम्हें मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है बात ऑर्डर में। ऑर्डर में कुछ खास बात है जो तुम्हें याद रखनी है यहाँ पे, कॉन्वोल्वोलेसी और सोलेनेसी ये दोनों कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आते हैं। किस कैरेक्टर के बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आते हैं। और बाकी क्लास है तो जिसमें कई सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, जैसे देखो ना क्लास मैमलिया है तो इसमें कई सारे ऑर्डर आ जाएंगे, ऑर्डर प्राइमेटा है, ऑर्डर कार्निवोरा है, ऐसे कई सारे ऑर्डर आएंगे। फाइलम टर्म एनिमल के लिए यूज किया जाता है और डिवीजन टर्म प्लांट के लिए यूज किया जाता है। बात आती है एनसीईआरटी ने फिर फाइलम टर्म को ही क्यों यूज किया है, दुनिया में ज्यादा एनिमल्स हैं इसलिए एनिमल्स को वेटेज दिया गया है यहाँ पे। और बाकी किंगडम दो तरह के हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इस पे आते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस चीज को अगर अच्छे से समझ ली हमने तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हो जाएंगी। देखो जरा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसी। अगर मैं कहूं कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ये मैं गया नीचे से ऊपर की तरफ, मैं बोलूंगा स्पेसीज के जो नंबर है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेसीज के जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हें भी मालूम है किंगडम एनिमेलिया में 1.2 मिलियन स्पेसीज है और किंगडम प्लांटी में भी 1.2 मिलियन स्पेसीज है। तो बात ये समझ में आ जाती है कि सर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो हमें स्पेसीज के नंबर तो बढ़ते मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात अगर करें, जो खास कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। ऊपर तुम्हें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर मिल नहीं पाएगा ऊपर, क्योंकि पूरी तरह से चीजें भरी हुई हैं। जैसे एक इस तरह से सोचो, एक फील्ड में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, ठीक है, उसमें तुम पता नहीं कर पाओगे कौन स्पेसिफिक लोग है क्योंकि सारे मिक्सअप हो चुके हैं वहां पे। जैसे जैसे तुम ऊपर पढ़ोगे बढ़ोगे, एक बार एनसीईआरटी में लाइन तुम्हें दिखा रहा हूं तो ये चीज समझ में आ जाएगी। लोअर द टैक्सा मीन्स किसके बारे में बात चल रही है, लोअर द टैक्सा मीन्स स्पेसीज के बारे में। मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। हायर द कैटेगरी मीन्स किंगडम, ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। इसलिए कहते हैं जो प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ऊपर बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। और इसके पिछले वाली लाइन थी ये कि एज वी गो हायर फ्रॉम अ स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है वो गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने लगते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, ये कॉमन नेम्स हैं और इनके दे रखे हैं बायोलॉजिकल नेम से लेकर फाइलम डिवीजन तक की बातें। तो बस ये बेसिक सी चीज याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। मैन है तो होमोशेपियंस है, मस्का डोमेस्टिका है हाउस फ्लाई का, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है और बाकी वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम है। डायरेक्ट तुमसे पूछू ना तो पता होना चाहिए, अभी क्वेश्चन में करवा रहा हूं तो उसमें तुम्हें आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे ये चीज करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने ये रहा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है तुम्हें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। ऐसे एक चीज याद रखना कि जीएफ के बीच में, जीनस और फैमिली के बीच में ट्राइब आता है बस, क्योंकि ये बहुत ही पहले आ चुका था क्वेश्चन में। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले लिख लिया करता, लिख लिया करो, है ना, मैं पहले लिख लिया करता हूं ऐसे, ऐसे मैं लिख लेता हूं पहले कि प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सीख। अब इसमें देखता हूं मैं, फिर ऑर्डर देखता हूं, तो ऑर्डर तुम कहीं ना कहीं देखोगे ना तो ये चीज तुम्हारी सही चली जाएगी। देखो डिवीजन है तो ये, इसको डिवीजन भी तो बोला करते हैं ना, कि प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सीख, और मैंने अभी बताया ही था जीनस और फैमिली के बीच में कौन आ जाता है, ट्राइब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म अ स्पीशीज कंसीडर्ड एज द लोएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अ स्पीशीज कंसीडर्ड, अ स्पीशीज को तो बोला ही जाता है कि वो लोएस्ट कैटेगरी है, लेकिन किस में, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, या ऑल ऑर्गेनिज्म में, या नन ऑफ दीज। तो ऑल ऑर्गेनिज्म में वो चीज कंसीडर होता है, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, वो तो सबसे बेसिक में आता है ना वो चीज। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। कौन सा जीनस है भाई, तो सोलेनम के बारे में बात चल रही है, सब कुछ आ जाएगा। सोलेनम, सोलेनम की अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने बोला है ना, जीनस सोलेनम की अगर बात करें तो पोटैटो भी आ जाएगा, ब्रिंजल भी आ जाएगा, और बाकी और बताओ, सोलेनम, ये दोनों आ जाएगा। ए बी के लिए आंसर डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से लगाओ भाई, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस बिलोंग्स टू द जीनस पैंथेरा, बोलो बोलो बोलो। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रेस। आंसर मालूम चल गया, आंसर ऑल ऑफ दीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन, आलोक, शिवानी, अभिनव, संगमित्रा, सी डगरवाल, करण, पवन, सुनीता, रिया, शिवानी, नेहल, संध्या, गगन, मेहनाज। बहुत बढ़िया, जल्दी से करते चले जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्लूड्स इन जीनस पैंथेरा। जीनस पैंथेरा में तुम किसको इंक्लूड करोगे यहाँ पे, कौन से स्पीसीज को यहाँ पे इंक्लूड करोगे? तो सिंपल सी बात है भाई, ऑल ऑफ दीज को हम इंक्लूड करेंगे। लियो, टिग्रिस, पार्डस, इसमें गलतियां ढूंढो, क्या होनी चाहिए, पहले तो सारा स्मॉल में होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इसलिए ये चीज लाया हूं यहाँ पे, सारा स्मॉल में होना चाहिए, बाकी सारे इटैलिक्स फॉर्म में होने चाहिए थे। ठीक है, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्लूड्स इन जीनस फेलिस। जीनस कौन सा आ गया इस बार, फेलिस आ गया, तो ये तो कैनिस में इंक्लूड करेंगे हम इसको, तो इसको इंक्लूड करेंगे किसमें, फेलिस में। फैमिलीज, एक सेकेंड, फैमिलीज ऑफ प्लांट स्पीसीज कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर। अभी था ना एनसीईआरटी में जो मैंने एग्जांपल दिया था सोलेनेसी का, तो वेजिटेटिव फीचर पे भी आएगा और रिप्रोडक्टिव फीचर पे भी आएगा, तो आंसर क्या जाएगा, सी। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। चलो इसको जल्दी से आइडेंटिफाई करो, फिर मैं पहचान जाऊंगा कि तुमने कर लिया है सही से सब कुछ। चलो जल्दी से करो, फिर वही काम करना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इतना करो पहले, फिर खुद ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो किंगडम के बाद फाइलम आना चाहिए, बीच में ऑर्डर आ गया गलत, किंगडम के बाद आना चाहिए था, चलो सही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इसमें बात करें तो पहले जीनस आएगा ना, फिर आएगा ना स्पीसीज, तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट्स स्पीसीज, आंसर सी जाएगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी एक फैमिली है, इसमें कौन कौन से जेनरा डालोगे, कौन कौन से जेनरा डालोगे इसमें, जल्दी से बताओ। एक तो सोलेनम डालोगे, एक पिटूनिया डालोगे और एक धतुरा डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से लगाओ, सिंपल सिंपल से हैं। लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, कैट्स है, कौन सी फैमिली में ये सब चीजें आती हैं, तो जल्दी से बताओ। कैट की बात करें फेलिडी में, तो सारे किस में आ जाएंगे यहाँ पे, फेलिडी में आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे दो ऑर्डर को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कॉनवोल्वलेसी है और सोलेनेसी है। प्लांट फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू इन एन ऑर्डर इज मेनली बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर्स। प्लांट फैमिलीज की बात करें तो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे बेस्ड होती है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक, ये तुम करोगे, जल्दी से करो। ऑर्डर देखो, ऑर्डर का नाम क्या है यहाँ पे,
ऑर्डर का नाम है यहाँ पे क्या, कार्निवोरा। जल्दी से बताओ, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स, तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे इसमें, जल्दी से बताओ। कार्निवोरा टोटल अगर बात करें, क्लास मैमिलिया में टोटल 14 ऑर्डर होते हैं, और कार्निवोरा में किसको इंक्लूड किया जाता है, फेलिडी को और कैनिडी को। तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, डी। चलो अभी बड़े सिंपल सिंपल से नाम है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन क्या होगा, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन तो क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन बिलोंग्स टू विच जीनस, मैन की जीनस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होमो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करें। सबसे पहले बात आती है टैक्सोनॉमी में यूज होने वाले कुछ एड्स, एड्स की बात करें तो एड्स का मतलब क्या होता है, एड्स का मतलब यहाँ टूल से है, एप्लीकेशन से है, क्या क्या चीज़ें हमें टैक्सोनॉमी में मदद करती हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर टैक्सोनॉमी में हम चीज़ों को, हम कैरेक्टर्स को कंजर्व करके रखेंगे तो आगे ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स किसी टीचर के लिए है, किसी स्टूडेंट के लिए है जो बॉटनी की स्टडी कर रहा है, ये कभी भी किसी साइंटिस्ट के लिए चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि साइंटिस्ट कभी भी टैक्सोनॉमिकल एड्स पे गौर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अगर कोई चीज़ नई चीज़ ढूंढनी है तो टैक्सोनॉमिकल एड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बात आती है कि जो इसमें स्पेसिमेंस रखे जाते हैं वो एक्चुअल होते हैं या फोटोकॉपी वाले होते हैं, कि अगर मुझे जंगल में जाकर कोई स्पेसिमेन लेना है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं वहाँ पे फोटो क्लिक कर लूँगा, क्या ये चीज़ है, नहीं। जब भी चीज़ रखी जाएगी वहाँ पे तो एक्चुअल स्पेसिमेन को ही रखा जाता है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो फ्यूचर स्टडीज में काम में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। देखो सबसे पहले अगर बात बोली जाए हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक टाइप का गार्डन होता है जो कि पूरी तरह से ड्राई होता है। तुम एक गार्डन को इमेजिन करो, गार्डन में डिफरेंट वैरायटी के वहां पे फ्लावर्स मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी के वहां पे बाग बगीचे में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, आम का पेड़ होगा, सब कुछ होगा उसमें, लेकिन ये एक टाइप का ड्राई गार्डन होता है। यहाँ फूल तो होंगे लेकिन फूल सूखे होंगे, पत्ते होंगे लेकिन पत्ते सूखे होंगे, हम इनको ड्राई गार्डन का नाम देते हैं। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, किन के लिए रखा जाएगा, प्लांट स्पेसिमेन के लिए। बात आती है उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हर्बेरियम जब भी यूज किया जाएगा किसी भी डेड प्लांट स्पीसीज के लिए ही यूज किया जाता है। तीन प्रोसेस हैं यहाँ पे, एक तो ड्राई करना, फिर ड्राई करने के बाद प्रेस करना, और उसके बाद प्रिजर्व करना। हर्बेरियम सीट होती है जो कि लगभग 29x41 सेंटीमीटर की होती है, और उस पर ही सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेस किया जाता है, और फिर सीट से प्रिजर्व किया जाता है। ये उस अकॉर्डिंग रखे जाते हैं जो मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, ये देख सकते हो तुम, ये हर्बेरियम है जिसमें कि स्पेसिमेंस को रखा गया है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मिस बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, मिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, अब यहाँ पर हर्बेरियम सीड्स पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है जो हमें फ्यूचर यूज में काम आए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा जाता है, इंग्लिश नाम, लोकल नाम, बोटेनिकल नाम, फैमिली नाम, कलेक्टर्स नाम, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। और हर्बेरियम के बारे में कहते हैं कि बड़ा ही क्विक है, हर्बेरियम के बारे में कहते हैं कि ये बड़ा ही क्या है, क्विक है, बहुत तेजी से हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम बात की गई थी डेड के लिए, बोटेनिकल गार्डन बात करेंगे हम लिविंग प्लांट्स के रेफरेंस के लिए। अगर वर्ड कंजर्व बोला जाए तो समझना कंजर्व जो वर्ड है ना वो लिविंग से रिलेटेड है, लेकिन अगर वर्ड बोला जाए यहाँ पे प्रिजर्व, तो प्रिजर्व के लिए समझना कि वो डेड से रिलेटेड है। यहाँ पे भी लिविंग प्लांट्स को ही रखा जाता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, वहां पे भी लेबलिंग की जाती है। कौन कौन सी लेबलिंग होगी, बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम, और वहां पे फैमिली का नाम दिया जाएगा। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हमारे दुनिया में कौन कौन से हैं, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि केव इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में सिपूर में है इंडिया में, और NBRI लखनऊ के सिकंदराबाग में है। ये बड़े अच्छे अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स हैं जहाँ पे तुम हर्बेरियम को भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें म्यूजियम्स के बारे में, म्यूजियम्स में अगर बात करें हम यहाँ पे,
तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसमेन दोनों रखे जाते हैं। एनिमल स्पेसमेन को प्रिजर्व किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर किसकी बात करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ओके, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मुझे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखना है तो फॉर्मलिन का सॉल्यूशन होता है, अगर मुझे इंसेक्ट को रखना है तो मुझे कलेक्टिंग करना होगा, किलिंग करना होगा और इसके बाद पिनिंग करना होगा। और जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं ना, जैसे बर्ड्स और मैमल्स वगैरह, तो उनमें स्टफिंग करना होता है, चीज़ें भर दी जाती हैं उसमें। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, स्केलेटन्स भी यहाँ पे होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स को रखा जाता है, लिविंग एनिमल्स को, और उन्हें वैसा ही कंडीशन दिया जाता है जैसे नेचुरल हैबिटेट में कंडीशन होते हैं, जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख पा रहे होगे। क्लियर है ना ये डायग्राम? ये डायग्राम क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टॉपिक है हमारा की। की से हमें क्या मिलेगा? की से हमें क्लू मिलता है जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ये की की बात करें ना, तो की एक सिंपल सा लिस्ट होता है। क्या है ये? लिस्ट है जिसमें कि कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे होते हैं, उनमें सिमिलरिटीज क्या है और उनमें डिसिमिलरिटीज यहाँ पे क्या मौजूद है, ये चीजें लिखी रहती हैं। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, दो कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे होते हैं, मानकर चलो कि दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट लिखे गए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम कपलेट बोलते हैं। इसमें से एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाता है। एक स्टेटमेंट जिसको तुम एक्सेप्ट करोगे उसको लीड बोलेंगे, जिसको रिजेक्ट करोगे उसको भी लीड बोलेंगे। मीन्स ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, और जब भी वो पेयर में होगा तो हम उसे कपलेट का नाम देते हैं। और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। चार चीजें हैं यहाँ पे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये की के बाद ही प्रिपेयर की गई हैं ये चारों चीजें, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये चार चीजें यहाँ पे काम में आती हैं, ठीक है? देखना जरा, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं, तुमको सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं जिससे तुम हमेशा याद रख पाओगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरा। अगर जब भी फ्लोरा वर्ड आए ना, तो तीन ये अल्फाबेट ढूंढना तुम, दही है ना, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एच फॉर हैबिटेट, आई फॉर इंडेक्स। अगर ये तीन चीजें मिल जाती हैं तुमको डेफिनेशन में, तो समझ जाना बात चल रही है फ्लोरा के बारे में। दिखा रहा हूं तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और एक आ जाएगा तुम्हारा इंडेक्स आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स आ जाएगा तुम्हारा। तो ये सिंपल सी बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट और इंडेक्स, समझ गए? तो ये चीज सिंपल सा है। मैनुअल्स के बारे में बात आए तो मैनुअल्स पे ओवरऑल नाम वगैरह लिखा होता है। मोनोग्राफ में आए तो एक टैक्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और यहाँ पे समरी में एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है लास्ट में। देखो, अगर किसी भी टैक्सोनॉमिस्ट को प्रिपेयर करना है या इंफॉर्मेशन को रखना है, तो वो मैनुअल्स या मोनोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी टैक्सोनॉमिस्ट को मैंने बोला है, ठीक है? तो ये इस्तेमाल में आते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, चलो भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड। क्वेश्चन अगर तुम कर लिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। Which of the following is the storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on seeds? किसकी बात करेंगे हम? हर्बेरियम की बात करेंगे यहाँ पे, जिसको ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व किया गया है। The herbarium seeds carry a label providing information about. Herbarium seeds में हमें date and place of collection भी मिलता है, English नाम, local नाम, botanical नाम भी मिलता है, family का नाम, collector's नाम भी मिलता है। तो answer क्या जाएगा? All of these. Which of the following has collections of living plants for reference? देखो, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग प्लांट्स की बात करेंगे नहीं, हर्बेरियम में डेड होता है, म्यूजियम में भी डेड होता है, तो बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट, लेबल ऑफ प्लांट इन बोटेनिकल गार्डन नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट। बोटेनिकल नाम होता है वहां पे, साइंटिफिक नेम भी होगा, फैमिली का नाम भी होगा, लेकिन वहां पे कलेक्टर्स का नाम नहीं होता है। कहां पे? बोटेनिकल गार्डन्स में तुमने देखा होगा कभी भी कलेक्टर्स का नाम वहां पे नहीं होता है, ठीक है? चलो भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में तुम्हें कौन सा करेक्ट नहीं लग रहा है? फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो कीव में है, इंग्लैंड में, बात सही है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, बात सही है। NBRI लखनऊ में है, सही है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा, गलत है ये, है ना? तो तुम्हारा आंसर क्या चला जाएगा? इसका डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। देखो ये क्वेश्चन ऐसे करना, बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पे एनिमल स्पेसिमेन को तो नहीं रखते, म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन दोनों रखे जाते हैं, हर्बेरियम में एनिमल नहीं रखे जाते, इसमें वो नहीं रखा जाएगा। आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, पहले देखो ना प्रिजर्व बोला गया था, प्रिजर्व तो प्रिजर्व तो आता है म्यूजियम के लिए, डेड वाले चीज रखे जाते हैं यहाँ पे। विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग म्यूजियम, म्यूजियम के बारे में कौन सा सही नहीं लग रहा तुम्हें, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स और जॉय इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, बात सही है, फॉर्मलिन के बने हुए सॉल्यूशन में रखते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग बट विदाउट किलिंग पेनिंग। देखो पूछा गया है क्या, विच इज नॉट ट्रू है ना, यहाँ पे ट्रू कौन सा पूछा गया है कि नहीं है रिगार्डिंग म्यूजियम्स के बारे में, तो सिंपल से स्टेटमेंट देखोगे तो इससे ही तुम पहचान लोगे कि तो बिल्कुल गलत लिख दिया ना, सी के पी होना चाहिए कलेक्टिंग किलिंग और पिनिंग, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया गलत, और बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही लग रहे हैं तुम्हें। विच इज ट्रू रिगार्डिंग म्यूजियम, सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा नॉट ट्रू था, यहाँ पे ट्रू पूछा गया रिगार्डिंग म्यूजियम्स। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन्स ऑफ एनिमल्स टू, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, प्लांट एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व एट ड्राई स्पेसिमेंस। आंसर क्या लग रहा है सबको, डी आ रहा है सबका आंसर, आंसर सबका डी आना चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां तक चीज क्लियर है, अच्छा यहां पे ड्राई स्पेसिमेन नहीं होगा भाई, ड्राई स्पेसिमेन नहीं होगा, ठीक है, पूछा गया था ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया था ना, तो ये तो गलत हो गया ही है। और इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस में, म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, सही है हाँ, तो ये स्टेटमेंट दो सही लग रहे हैं, पहला तो सही है, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, इंसेक्ट बॉक्सेस में भी रखते हैं हाँ, तो सही लग रहा है पूरा, दो स्टेटमेंट इसमें सही लग रहे हैं भाई, ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग है नहीं, ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, तो जूलॉजिकल पार्क्स की बात करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, बोलो भाई बोलो बोलो जल्दी से बोलो 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 जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, तो की बात करेंगे, सिंपल सा बात क्या है यहाँ इसमें की। नेक्स्ट, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर देखते ही बात आ गई होगी तुम्हें कि लीड तो सिंगल को बोला करते थे और पेयर में जब भी होगा तो कपलेट की बात करेंगे, ठीक है, और वहां पे लीड होगा भाई, लिखा हुआ लीड है ना, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम अदर नेम्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, Which of the following are some other names of recording descriptions of organism? तो सारे चीज आते हैं इसमें, फ्लोरा भी आता है, मैनुअल्स भी आता है, मोनोग्राफ भी आता है और कैटलॉग्स भी आता है, तो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, सिंपल सी चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आज ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ओके तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए या ज्यादा एनसीईआरटी को एलैबोरेट मैं करूँ, क्योंकि एक घंटे का ही टाइम होता है, तो मुझे बताओ कि ज्यादा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मैं क्वेश्चंस ज्यादा करवाऊं या एनसीईआरटी को ही एलाबोरेट बहुत अच्छे से करूं, बोलो क्या लग रहा है तुम्हें, कमेंट में बताना मुझे जरूर, क्वेश्चंस ज्यादा, ओके ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चंस के लिए, रीतिका शिवानी, ओके 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 ठीक है हाँ, सारे क्वेश्चन जो मैं लाता हूँ ना वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोनों करवा दूं अच्छे से, ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक एक चीज मुझे चाहिए कि तुम अपने तरफ से पढ़कर आओगे तो थोड़ा फास्ट वो चीज हो पाएगा, एक बार से रीडिंग लगा कर आना, और बाकी तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनका ने एकेडमी सेपियंस के बारे में बताओ, और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये अन अकेडमी सेपियंस है, शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स, ओके बच्चों।
तो ये आज हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, फिर इसके बारे में। और ये अनअकैडमी प्लस का जो न्यू प्राइस है, अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकनिक प्लेटफॉर्म का, तो ये प्राइस है अनअकैडमी का, तो इसका सिर्फ ध्यान रखना। जो न्यू प्राइस है अनअकैडमी प्लस की वो इस तरफ है, और जो न्यू प्राइस है आइकनिक की, जो अनअकैडमी के दो प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं, दो तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, एक प्लस का और एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन का। अगर तुम सब्सक्रिप्शन का मॉडल अगर 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए अगर तुम लेते हो, तो 1 ईयर का कॉस्ट 38,500 और 56,000। जैसे ही तुम ये कुमार लाइव कोड को यूज करोगे तो वैसे ही प्राइस हो जाएगी 34,000 या 50,000, जो भी तुम सब्सक्रिप्शन के प्लान को यहाँ पर चूज करोगे। और इधर है आइकनिक का प्लान, इसमें तुम्हें एक्सपर्ट्स मिलते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जो टॉपर्स पढ़ रहे हैं उनके तुम्हें यहाँ पे एक्सपर्ट्स एडवाइस में रहोगे तुम 2 साल तक। तो ये प्राइस जो है तुम्हारा आफ्टर अप्लाइंग कुमार लाइव को 10% यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अनअकैडमी सेपियंस के किसी अगले सेशन में, ठीक है? तो सेशन कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। ओके, तो मुलाकात होगी फिर हमारी अगली क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू बच्चों।